संभल में तीन तलाक का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में दो महिलाओं का तीन तलाक का मामला सामने आया है। पहला मामला महज 50,000 रुपए के लिए 5 साल पहले शादी हुई एक महिला को उसके पति ने एक बार में तीन तलाक दे दिया। आरोप है कि तलाक के बाद महिला द्वारा विरोध करने पर परिजनों द्वारा महिला को पीटा भी गया और उसके दो बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरे पति ने मुझसे 50,000 रुपए 3 साल पहले मंगाए थे। मेरी छोटी सी लड़की थी, अब वो 4 साल की हो गई, 5 साल में लग गई। मुझसे पैसे मंगाए थे, मैंने उन्हें ला दिए थे। उन्होंने मुझे जब भी मारा तोड़ा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने अपने घर बनाने के चक्कर में उन्हें पैसे ला दिए। मेरी अम्मी ने मंगा दिए थे मुझसे, सब तो धार पानी करके लेके दे दिए थे। और फिर उन्होंने मुझसे 50,000 रुपए के वो करा। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे घर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊँगी। तो उन्होंने मुझे, मेरे सास रहाना, मेरे नंदोई, मुदस्सर, नंद, तबस्सुम, जकरिया और मेरे शोहर दाऊद ने मुझे मारा पीटा और उनसे तीन तलाक दिलवा के मुझे बाहर निकाल दिया घर से। वहीं दूसरे मामले में 2 साल पहले हुई शादी के बाद से ही पति द्वारा पैसों की डिमांड पूरी नहीं होने पर महिला को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। दोनों ही महिलाएं अब इंसाफ के लिए थानों और अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पुलिस ने भी दोनों ही मामलों में दहेज उत्पीड़न में मामला दर्ज करके तलाक मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। मारा पीटी तो करते ही रहते थे आए दिन। मुझसे कह रहा, बोले 2 लाख रुपए ला के दे, घर बने वो घर, सास ससुर और हमारे शोहर। मैंने मना कर दिया, पहले भी ले गई थी। मैंने अब मना कर दिया तो बोले जला के मारेंगे। हमारे यहाँ नखासा थाना क्षेत्र में महिला ने दहेज उत्पीड़न का केस अपने परिवार वालों के खिलाफ दर्ज कराया है। उसने बताया है कि कुछ दिनों से उसके परिवार वाले दहेज की डिमांड कर रहे थे और उत्पीड़न कर रहे थे। इस मामले में तहरीर दी है और इसका मुकदमा दर्ज किया गया। बाकी इस मामले की कोई जानकारी भी इसमें नहीं दी गई है और उसमें हम लोग दहेज उत्पीड़न के आधार पर ही विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी।